भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की धमकी भरा संदिग्ध पत्र और संदिग्ध रसायन मिलने का मामला सामने आया है। साध्वी प्रज्ञा का आरोप है कि उन्हें जान का खतरा है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। रसायन सहित पूरा लिफाफा कब्जे में ले लिया गया है। सोमवार देर रात को FSL की टीम भी साध्वी प्रज्ञा के घर पहुंची है। सूत्रों के मुताबिक लिफाफे में जो रसायन मिला है वो संदिग्ध है। साध्वी प्रज्ञा के मुताबिक लिफाफे में एक चिट्ठी थी जो उर्दू में लिखी हुई थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और सांसद प्रज्ञा ठाकुर का फोटो बना है जिस पर क्रॉस बना हुआ है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि इससे पहले भी मुझे कई धमकी भरे पत्र मिल चुके हैं जिसकी शिकायत मैंने पुलिस को की है, लेकिन पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। सूत्रों के मुताबिक लिफाफे में उर्दू में लिखी चिट्ठी मिली है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोटो भी है। उसमें मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद व अन्य आतंकियों के फोटो भी बने हुए हैं। वहीं सूत्रों की माने तो अक्टूबर माह में एक लिफाफा उनको मिला था, वो घर में पड़ा रहा, जिसको खोल कर गया तो उसमें एक पत्र मिला, साथ ही एक मार्कशीट प्रोविडेंट फंड का एक और लिफाफा भी इसमें मिला था। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।